को हमने नमक डाल के पानी से अच्छे से वॉश कर लिया, मतलब डस्ट वगैरह होता है, धूल मिट्टी होती है, तो अच्छे से साफ कर लिया है। अब क्या करना है, पहले इसे कट करना है, हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे करेला लेंगे इस तरह से, दोनों तरफ की इसकी डंडियां काट के निकाल लेंगे। और इसे क्या करना है, गोल गोल इस तरह से देखिए कट करना है। आजकल जो करेले आ रहे हैं बिल्कुल बीज नहीं है, बहुत ही अच्छे करेले आ रहे हैं, ये देखिए इस तरह से हमें गोल गोल यहाँ पे कट करना है। एक बार हमारे तरीके से दोस्तों आप करेले की सब्जी बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाने का जो तरीका होगा बिल्कुल अलग होगा, जिसकी वजह से ये कड़वा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो ये देखिए इस तरह से हम काट लेते हैं करेले को। तो यहाँ पे एक करेला हमने काटा है, ऐसे हम बाकी के भी सारे काट लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे करेलों को हमने यहाँ पे कट कर लिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे एक बड़ी थाली, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें मिल जानी हैं। तो इसे मिक्स करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस थाली में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे डालेंगे आधा चम्मच नमक, इससे क्या होगा कि जो भी इसमें करेले से पानी निकलेगा, कड़वा वाला पानी होगा वो, और साथ ही साथ करेले का जो कड़वापन होगा वो तो यहाँ पे निकल जाएगा। और इसे और भी खत्म करने के लिए कड़वापन, इसका यहाँ पे हमने लिया है आधा नींबू, इसका रस यहाँ पे निचोड़ लेते हैं अच्छे से। ये देखिए इस तरह से आप एक बार ट्राई करिएगा जरूर दोस्तों, बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है, बिना कड़वा लगे। आप बच्चों को खिलाइए, बच्चे बहुत ही मन खाएंगे से खाएंगे, और करेला जो है बहुत ही अच्छा होता है। तो ये देखिए नींबू का रस भी हमने डाल दिया है और यहाँ पे हमने नमक भी डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को इस तरह से हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे नींबू और नमक को हमने करेले में अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब कम से कम 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ देर बाद आप देखेंगे तो इसमें पानी छोड़ने लग जाएगा, तो जो पानी छोड़ेगा वो कड़वापन ही होगा इसका जो निकलेगा। इसलिए यहाँ पे नमक और नींबू डाल के हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, खटाई की वजह से जो कड़वापन होगा एकदम से खत्म हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे इसे 15 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 15 मिनट हो गए हैं, करेले जो है पानी, कड़वा वाला जो पानी होता है वो छोड़ दिए हैं। ये देखिए अब क्या करना है कि अब धीरे धीरे क्या करना है कि हमें मुट्ठियों से इस तरह से उठाना है और इसे इस तरह से देखिए निचोड़ लेना है, जो भी एक्स्ट्रा पानी है देख सकते हैं। ये देखिए तो ये जो है कड़वा पानी निकल रहा है, जिसकी वजह से करेले कड़वे नहीं लगेंगे और बच्चे जो होंगे बहुत ही आसानी से खा सकेंगे। ये देखिए इस तरह से निचोड़ते हुए हम इसका पानी निकाल लेते हैं। एक बार हमारे तरीके से आप करेले की सब्जी जरूर ट्राई करिएगा दोस्तों, बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं निचोड़ निचोड़ के हमने करेले से करेला निकाल लिया, और इसका पानी जो था, आप चाहे तो शुगर के, अगर आपके घर में किसी को शुगर की प्रॉब्लम है तो आप उन्हें उसमें काला नमक और जीरा पाउडर मिला के दे सकते हैं। बहुत एकदम मतलब इतना अच्छे से असर करता है ना कि क्या ही बताऊं, एकदम सिरप जैसा काम करता है वो, बिल्कुल जूस उसका करेले का। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने करेला लिया था, वापस हम डालेंगे इसी थाली में। अब इसे इस तरह से देखिए फैला लेंगे। तो हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, ये तीखा नहीं है, सिर्फ अच्छे सब्जी में हमारी अच्छा कलर आ सके इसके लिए यहाँ पे डाल रहे हैं आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, ये जो होता है ना बहुत ही अच्छा टेस्ट लाता है करेले की सब्जी में। इसे और भी ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पे हम डाल रहे हैं सौंफ का पाउडर, सौंफ को भून के उसे दरदरा सा, या तो आप महीन एकदम पीस लीजिए, यहाँ पे हमने महीन पीसा है, तो यहाँ पे डालेंगे आधा चम्मच सौंफ का पाउडर, जरूर यूज करिएगा, बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है दोस्तों। आधा चम्मच गरम मसाला, अब लास्ट में एक चीज और हम डालेंगे, जिसकी वजह से कड़वापन अगर थोड़ा बहुत भी करेले में होगा तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे यूज करेंगे 2 चम्मच बेसन, बहुत ही अच्छी सब्जी लगती है, इससे क्या होगा करेला जो जो अच्छे से हमारा भून जाएगा, और कम तेल में आज हम करेला बना के दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे 2 चम्मच हमने बेसन डाला है, तो आधा चम्मच यहाँ पे लेंगे हम कच्चा सरसों का तेल, ये कच्चा सरसों का तेल डाल रहे हैं। एक बार इस तरीके से आप करेले की सब्जी जरूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ आपसे प्यारी सी रिक्वेस्ट है, आज की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। तो सारी चीजों को यहाँ पे क्या करना है, हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए सारी चीजें इतनी अच्छे से मिक्स करनी है कि सारी चीजें जो होंगी अच्छे से कोट हो जाए करेले में। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीजों को अच्छे से हमने करेले में कोट कर लिया है अच्छे से, यानी हाथों की मदद से हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। आप देख सकते हैं अच्छे से मसाले, बेसन, जो सारी चीजें हमने डाली है वो अच्छे से मिक्स हो गई है। अब क्या करना है, फटाफट से गैस की ओर चलना है। तो गैस पे चढ़ा लेंगे कढ़ाई और इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल, ऑयल 1 चम्मच हमने डाल दिया है। ऑयल को सारे तरफ इस तरह से फैला लेंगे ताकि, क्योंकि हमें कम तेल में यहाँ पे करेलों को अच्छे से बनाना है, इसलिए यहाँ पे कढ़ाई में हमने तेल फैला लिया ताकि चारों तरफ अच्छे से जो तेल हो वो अच्छे से फैल जाए।
अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच कलौंजी, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इस तरह से आप तड़का जरूर लगाइएगा करेले की सब्जी में। करेले की जो सब्जी होती है बहुत ही अच्छी लगती है, अगर आप इस तरह से करेले की सब्जी में आप कलौंजी का तड़का लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने खड़े धनिया जो होता है साबुत धनिया का, यहाँ पे हमने कूट के लिया। आप देख सकते हैं ये एकदम छोटे छोटे साइज में हो गया है, इस तरह से हमने कूट के लिया है। इसका भी तड़का लगाइएगा। आधा चम्मच डाल रहे हैं यहाँ पे कूटा हुआ धनिया। अब यहाँ पे डालेंगे आधा चम्मच सौंफ, यहाँ पे कलौंजी, सूखा धनिया यहाँ पे कूट के हमने लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने सौंफ पाउडर को हमने मिक्स किया है करेले में, और फिर इस यहाँ पे तड़का लगाएंगे खड़े सौंफ से। ये सारी तीनों चीजों से हमें तड़का लगाना है। यहाँ पे देखिए भून गई है हल्की सी यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है हमें, ये जो हमने करेले में सारी चीजें हमने मिक्स की, ये करेले को हमने इसमें डाल देना है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी करेले अभी लग रहे हैं, बनने के बाद बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं, और साथ ही साथ इसमें जो कड़वापन है वो बिल्कुल भी नहीं रहता है। इस तरह से आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा। ये देखिए इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। और एक खास बात और, यहाँ पे ना ही हमने लहसुन का यूज किया है, ना ही यहाँ प्याज का यूज किया है, बिना लहसुन प्याज के बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो इस तरह का करेला बना के आप कम से कम 15 दिन तक आप फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं, जब भी मन किया गर्मा के खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आप करेला बना के एक बार बना लीजिए, आप इसे चाहे तो 15 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए हमने बिना प्याज के बनाया है। तो ये देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स करके चला लिया है। अब क्या करना है, गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पे इसे ढक देते हैं, कम से कम 1 मिनट के लिए ढक देते हैं अभी, ताकि अच्छे से भुन जाए। ये कम तेल में बना रहे हैं, अगर हाई फ्लेम करेंगे तो फटाफट से जलने लग जाएगी, और मीडियम फ्लेम पे ये पकेगा भी अच्छे से और भुनेगा भी अच्छे से। तो गैस का फ्लेम मीडियम करके 1 मिनट के लिए ढक देते हैं। तो यहाँ पे 1 मिनट हो गए, करेले को हम देख लेते हैं। ये देखते हैं करेले जो है हल्के से ये भुनना शुरू हो गए हैं, और कम तेल में इससे अच्छा तरीका नहीं होगा करेला बनाने का। तो इस बार इस रेसिपी को ट्राई जरूर करिएगा। अगर आपने इस तरीके से एक बार करेला बना लिया ना, तो आप पूरी गर्मी इस तरह से ही करेला बनाना पसंद करेंगे। तो ये देख लीजिए, फिर से इसे ढक देते हैं 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि अच्छे से पकने भी तो चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं 2 मिनट हो गए हैं, सब्जी को देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सब्जी जो हमारी करेले की अच्छे से भून गई है। तो इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, हाथों से इस तरह से क्रश करके डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सबसे अच्छी बात ये कड़वा नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे खा सकते हैं। दूसरी अच्छी बात ये है कि ये मल्टीपर्पज सब्जी है, आपसे पूड़ी, पराठा, चावल किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे कसूरी मेथी हमने डाल दी है, इसे भी देखिए इस तरह से मिक्स कर। करेला देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से भुन गया है, कम तेल में। तेल आप देख सकते हैं कढ़ाई में बिल्कुल भी तेल नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही कम तेल में हमने यहाँ पे सब्जी करेले की बनाई है। और इसका कलर आप देख सकते हैं कितना टेस्ट अच्छा लग रहा है देखने से, और बहुत अच्छी सब्जी बनती है। तो यहाँ पे देखिए करेला जो हमारा अच्छे से भुन गया है। तो लास्ट में एक चीज़ और हम डालते हैं इसमें, जिसकी वजह से एकदम कड़वापन नहीं होगा, आधा चम्मच आमचूर का पाउडर, ये भी इसमें डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में हमने डाल दिया है, यहाँ पे जो हमारी करवे यानी कि करेले की जो सब्जी है बन के बिल्कुल तैयार है। फटाफट से क्या करना है, आप गैस को कर लेना है बंद, और इन्हें आप सर्व करिए पूड़ी, पराठा, रोटी, चावल, दाल के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है, अच्छी बात यह है कि इसे बच्चे बहुत मन से खाना पसंद करेंगे। तो इस तरह की सब्जी ट्राई जरूर करिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे अपने प्यारी से रिक्वेस्ट है, आज की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं करेले को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, कलर देख के ही पता चल रहा होगा कि हमने ये दिखाई है, अच्छे से करेला जो हमारा भुन गया है, और ये अच्छे से पक भी गया है। ये देखिए अभी गर्म है बहुत, ये अच्छे से पक गया। फटाफट से क्या करते हैं, गैस को कर लेते हैं बंद, अभी इन्हें सर्व करते हैं। तो ये लीजिए डबल स्वाद वाली हमारी करेले की, बिना कड़वाहट वाली करेले की सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है, और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस रेसिपी को ट्राई जरूर करिएगा दोस्तों। अगर आज के वीडियोस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी करेले की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।